का दोस्तों से स्वागत है आपका मेरे चैनल टिकट स्क्राइब पर। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टिकट सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्लौर घुमाने वाला हूँ। बिल्लौर मतलब ये कानपुर जिले का ही एक कस्बा है, तो मैं वहाँ आज बिल्लौर आया हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे नगर पालिका बनी हुई है। तो बिल्लौर के अंदर मैं आपको यहाँ का रेलवे स्टेशन और यहाँ के जितना भी व्यू है पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बिल्लौर की कोई भी वीडियो मैंने यूट्यूब पर देखी कायदे से नहीं आई हुई है। तो इस वीडियो को देख करके आप अगर बिल्लौर करने वाले हो तो आपको मज़ा आने वाली है। वीडियो से जुड़े रहे, वीडियो को काफ़ी मज़ा आने वाला है। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स मैं निकल रहा हूँ अपने टाउन बांगरमऊ से, बज रहे हैं शाम के 3:30 और इस वक्त भी आप देख सकते हो कि बादल वगैरह छाए हुए हैं। और ये हम जा रहे हैं बांगरमऊ से जो रोड गई है बिल्लौर की, वहाँ से निकल रहे हैं। बिल्लौर बांगरमऊ से लगभग 21 किलोमीटर दूर है और ये यहाँ से सीधा रास्ता गया हुआ है, ये मदान नगर पड़ गया है, यहाँ से हम निकल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मौसम कितना गजब का हो रहा है। बारिश दोस्तों इन इलाकों में हो रही है क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे जहाँ पे भी हैं यहाँ पे बारिश काफ़ी अच्छे से हो रही है। गंगा के पास देख सकते हो कि गर्मी की वजह से गंगा पूरी सूख चुकी है, पानी दिख नहीं रहा है। अब बस बारिश का मौसम का इंतज़ार है कि मतलब मौसम तो आ गया लेकिन बारिश नहीं हो रहा है। इस तरफ थोड़ी सी बारिश हुई है, अभी हम मोड़ पर आ चुके हैं, ये गया एक अरौल की तरफ वहीं कन्नौज, ये हम मुड़ गए हैं बिल्लौर रोड के लिए। अभी हम बिल्लौर से मुश्किल से बस 1 किलोमीटर भी दूर नहीं है, ये एंट्री कर चुके हैं हम बिल्लौर में। अब ये बिल्लौर में ही हम चल रहे हैं। दोस्तों आपको पता है कि ये कानपुर जिले का ही एक कस्बा है, यहाँ से कानपुर महानगर जो वो 55 किलोमीटर दूर है। अब ये बिल्लौर में हम एंट्री कर चुके हैं। बस रोडें यहाँ की देख सकते हो कि गड्ढे वड्ढे ज़्यादा हैं यहाँ पे, लेकिन ये किनारे के साइड पर ही है। मैं जब ही लास्ट टाइम आया था तो यहाँ की रोड वगैरह काफ़ी ठीक ठाक थी, लेकिन ये बारिश वारिश हल्की फुल्की हुई है उस वजह से ये है। अब देख सकते हो कि बिल्लौर का जो इलाका है काफ़ी गजब का है। अभी मैं आगे आपको दिखाता हूँ ये और भी गजब गजब के व्यूज़ हैं बिल्लौर के अंदर, आप वीडियो से जुड़े रहें। अब ये आ गए हम टेम्पो अड्डे के पास में। यहाँ से आप अरौल या कन्नौज वगैरह जाने के लिए टेम्पो आप बिल्लौर से डायरेक्ट ले सकते हो और यहाँ से कन्नौज लगभग 30 किलोमीटर ही दूर है, अरौल लगभग 11 किलोमीटर है, क्योंकि यही एक बड़ा गाँव है बिल्लौर के पास में। अब यहाँ पे सोमवार का दिन है, आप देख सकते हो काफ़ी क्राउड है यहाँ पे, देख सकते हो गाड़ियाँ वगैरह का जाम कितना सारा लग रहा है, क्योंकि कल लॉकडाउन था, कल सन्नाटा था। अभी ये हम आ गए हैं नगर पालिका के पास में। नगर पालिका फिर देख सकते हो कितनी गजब की बनी हुई है और टाइल्स वगैरह भी लगे हुए नगर पालिका में। यह पूरे चौराहे का देख सकते हो कि मौसम कितना गजब का, कितना गजब अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अभी हम बिल्लौर के नगर पालिका के पास में है, पीछे आपको नगर पालिका दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे देख रहे हो कितनी गजब की नगर पालिका बनी है, यहाँ पे टाइल्स वगैरह भी लगी हुई हैं और आज है मंडे का दिन, आपको यहाँ पे क्राउड भी काफ़ी सारा दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके का बिल्लौर है, मैं आपको भी यहाँ के रेलवे स्टेशन भी घुमाने वाला हूँ। यहाँ पे एक मंदिर है वन खंडेश्वर, मैं वहाँ पता करता हूँ कैसे जाना, फिर मैं आपको आगे करके घुमाता हूँ। तो अभी जैसे वीडियो में कैसे आने वाली है। अभी हम नगर पालिका से आगे जा रहे हैं, यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ वन खंडेश्वर, मैं यहाँ पे वापसी में अभी आपको मंदिर भी घुमाऊँगा। ये सामने मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हो कि लोग काफ़ी सारे हैं। फ्रेंड्स आगे ही रोडें गई हुई हैं ककवन वगैरह जाने के, ये ककवन सुलाबाद। तो ये बिल्लौर जो है यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, इसका नाम पहले था बिल्वाहारी। हाँ दोस्तों अगर आप विकिपीडिया पे जाके सर्च करते हो तो आपको पता चलेगा कि बिल्लौर का पहले नाम बिल्वाहारी था, लेकिन फाइनली इसका नाम जब बिल्वाहारी से बिल्लौर कर दिया गया। बिल्लौर में बहुत सारे अस्पताल वगैरह हैं और अस्पताल के अलावा यहाँ पे बिल्लौर की खुद की तहसील भी है। हाँ फ्रेंड्स इससे छोटे से कस्बे में खुद की तहसील भी है, तो ये काफ़ी खुशी की बात है बिल्लौर के लिए। बाकी ये जिस रोड पे हम जा रहे हैं ये सीधा कानपुर के लिए गया हुआ है, यही सीधा रोड शिवराजपुर वगैरह भी निकला हुआ है। अभी हम आगे देख सकते हो ये बाइक एजेंसीज वगैरह भी इधर की साइड पे बनी हुई हैं और इधर ये धीरे धीरे सन्नाटा हो रहा है, मतलब यहाँ से बिल्लौर हमारा एंड हो रहा है, मतलब बिल्लौर शहर यहाँ से ख़त्म होता है। चलिए हम वापसी कर लेते हैं अपने मेन सिटी की तरफ। अब हम वापसी सिटी में आ चुके हैं, आप देख सकते हो फ्रेंड्स शाम के लगभग 4:30 बज चुके हैं और यहाँ पर ट्रैफिक वगैरह काफ़ी कम पड़ चुका है। ट्रैफिक मतलब उस समय ज़्यादा था जब भी हम पहले निकले थे, लेकिन अभी काफ़ी देख सकते हो सन्नाटा टाइप का हो गया है। अब यहाँ पे देख सकते हो सारी दुकानें वगैरह जो खुली हुई हैं और सभी तरीके से एक लॉकडाउन हल्का पड़ चुका है बिल्कुल ही, क्योंकि बस ऊपर वाले की कृपा रहे, ऊपर वाले की दुआओं से कि ये कोरोना महामारी हम सबके बीच जाए और ऐसा ही माहौल सब कहीं का बना रहे। ये मंदिर के पास आ चुके हैं फ्रेंड्स, ये वन खंडेश्वर मंदिर काफ़ी पुराना है, यहाँ के लोगों से पता चला ये बहुत प्राचीन मंदिर है बिल्लौर का। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रसाद वगैरह की दुकानें लगी हुई हैं,
ये गेट है सामने का, ये बंद है फ्रेंड्स, तो मैं अंदर नहीं जा सकता। बाकी देख सकते हो कि मंदिर के पास लोग आकर के पूजा अर्चना के लिए आते हैं, और ये मंदिर के आसपास देख सकते हो रोड काफी गजब का है यार। पीछे अपन चंद्रेश्वर मंदिर बना हुआ है, यहाँ की ऐसी मान्यता मंदिर बहुत पुराना है, और यहाँ पर गेट फिलहाल मुझे बंद दिखाई दे तो मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ। और यहाँ पर जब भी बिल्लौर आइएगा तो इस मंदिर में जरूर आइएगा। फिर हम चलते हैं रेलवे स्टेशन। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अब हम जा रहे हैं बिल्लौर के रेलवे स्टेशन की तरफ। रेलवे स्टेशन भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ जाके हम अपनी बाइक पार्क करते हैं। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं बिल्लौर के रेलवे स्टेशन के बाहर, या पीछे आपको रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा होगा। अब चलिए चलिए आपको अंदर से चलकर दिखाता हूँ रेलवे स्टेशन कैसा है। अभी तो कोई फिलहाल कोई ट्रेन आई हुई है, ये देख सकते हो बाहर का नज़ारा। चलिए अंदर चलते हैं फ्रेंड्स। ये हम बिल्लौर रेलवे स्टेशन के बाहर हैं, जहाँ पर आपको रिक्शे वगैरह दिखाई दे रहे होंगे जो यात्रियों को बिल्लौर पे अलग अलग जगहों पर छोड़ते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे फिलहाल कोई ट्रेन आई हुई है रेलवे स्टेशन पे, आप देख सकते हो कि यहाँ पे दुकानें वगैरह लगी हुई हैं। मैं काफ़ी दिन बाद कोई रेलवे स्टेशन पे आया हूँ, मतलब फ्रेंड लॉकडाउन के बाद में मैं कोई पहली ट्रेन देख रहा हूँ किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर। लेकिन फिलहाल ही कोई जल्दी एक व्लॉग आएगा जिसमें मैं लंबा टूर करने वाला हूँ ट्रेन से ही, देख सकते हो रेलवे स्टेशन। फ्रेंड्स आप स्टेशन का नज़ारा देख सकते हो कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे पैसेंजर वगैरह आए हुए हैं, ट्रेन भी आई हुई है, और यहाँ पे भीड़ है थोड़ी सी कम है क्योंकि अभी कोरोना की वजह से लोग काफ़ी कम निकल रहे हैं अपने घरों से। और यहाँ पे तीन ट्रैक बने हुए हैं रेलवे स्टेशन के चारों तरफ, आप देख सकते हो। रेलवे स्टेशन जो बिल्लौर का वो काफ़ी साफ सुथरा बना हुआ है। चलिए मैं आपको आगे थोड़ा सा जो रहेगा वो भी रेलवे स्टेशन दिखा देता हूँ, चलो आप वीडियो से जुड़े रहिए। वाह फ्रेंड्स नज़ारा काफ़ी गजब का है बिल्लौर के रेलवे स्टेशन का, आप देख सकते हो। और यहाँ पे रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क भी पूरा कंप्लीट है, अभी मैं आगे आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स ये ट्रेन जो है ये कासगंज फरुखाबाद कानपुर है, ये ट्रेन देख सकते हो अभी जा रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यात्री भी काफ़ी कम है। वरना आप अगर स्टेशनों पे देखते होगे कि बहुत भीड़ होता था, लेकिन ये लॉकडाउन और कोरोना की वजह से पैसेंजर भी काफ़ी कम सफ़र कर रहे हैं। ये अभी ट्रेन चली गई है, ये थी कासगंज फरुखाबाद कानपुर ट्रेन जो कि फरुखाबाद के लिए निकलती है। फ्रेंड्स ट्रेन के जाने के बाद आपको बिल्कुल फुल व्यू दिख रहा होगा इस रेलवे स्टेशन का, साफ सफाई देख सकते हो बहुत गजब की है, मतलब यहाँ पे गंदगी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये एक पुल बना हुआ है जो कि आपको प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे उतारता है, तो इस तरीके का रेलवे स्टेशन। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया बिल्लौर का रेलवे स्टेशन, ये काफी अच्छा बना हुआ है, बिल्लौर के कस्बे के हिसाब से रेलवे स्टेशन काफी गजब का यहाँ का है। बाकी पीछे वहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 के जाने के लिए पुल भी बना हुआ है, तो आई थिंक आपको पसंद आया होगा बिल्लौर का रेलवे स्टेशन। तो फ्रेंड्स इतना ही था इस बिल्लौर के ब्लॉग में, आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स बिल्लौर के अंदर मैंने आपको जितना भी व्यू कराना था दिखा दिया, वन खंडेश्वर मंदिर तो फिलहाल बंद था तो इसलिए मैं अंदर नहीं जा पाया। बाकी रेलवे स्टेशन भी आपको पूरा घुमा दिया, बाकी यहाँ की जो रोडें थी जहाँ जहाँ जाने की, बाकी सब कुछ मैंने आपको वीडियो के अंदर जितना भी मेरी कोशिश थी मैंने दिखा दिया है, तो आई थिंक आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आप बिल्लौर करने वाले हो तो इसको वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा कि देखिए आपका बिल्लौर भी अब यूट्यूब पे आ गया। मतलब पहले भी वीडियोस पड़ी हुई लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छे से और एक बढ़िया कंटेंट देने की कोशिश किया बढ़िया क्वालिटी में कि आप बिल्लौर का वीडियो देख सको, होप आप इसको पसंद करोगे। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ऐसे ब्लॉग आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।